हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बचे हुए चावल के कटलेट बताती हूँ। तो मैंने बचा हुआ चावल लिया है, 1.5 कप के करीब है। मैंने मीडियम साइज के 2 आलू लिए हैं, थोड़ी सी कुटी हुई मूंगफली ली है भुनी हुई दरदरी, हरी मिर्च लिया है, धनिया लिया है, मीडियम साइज का प्याज लिया है, गरम मसाला है छोटा चम्मच, छोटा चम्मच चाट मसाला है, छोटा चम्मच लाल मिर्ची है। आप तीखा पसंद करते हो तो ज्यादा डाल सकते हो, और नमक स्वाद अनुसार है। ये 1/4 कप मैंने बेसन लिया है, और ये मैंने स्वीट कॉर्न लिया है। तो ये स्वीट कॉर्न है और इसे हम ऐसे काटेंगे तो इसके बीज निकल आएंगे, और इसे हम दरदरा पीसेंगे मिक्सी में। और अगर आपके पास ये नहीं है, स्वीट कॉर्न नहीं है, तो आप फ्रोजन वाला स्वीट कॉर्न ले सकते हो। और ये बेसन है, इसे मैं भूनूंगी, हल्का भूनूंगी मैं इसे। तो थोड़ा गुलाबी होने तक भूनूंगी इसे, और स्वीट कॉर्न को मैं दरदरा पीस लूंगी। बेसन भून गया है क्योंकि इसका कलर बदल गया है, तो भून गया है। हमको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस कलर बदलना है इसका। और इसे मैं अब चावल में मिक्स कर दूंगी। इसमें जो भी सामान है सारा सामान डालूंगी इसी में। ये मूंगफली डाल दी मैंने कुटी हुई, ये नमक डाल दिया, ये चाट मसाला डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, ये मीडियम साइज का प्याज है वो डाल दिया। आपको पसंद नहीं है तो प्याज नहीं डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दरदरा पिसा हुआ मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया, ये हरा धनिया डाल दिया, ये हरी मिर्ची डाल दी बारीक कटी हुई, और ये 2 आलू लिए थे मैं, उनको मसल के डाल दूंगी इसमें। और मैं इसे मिक्स करूंगी, मैं हाथ से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं, और आप नमक इसमें चख सकते हैं एक बार। मैंने इसके कुछ कटलेट बना दिए हैं, और मैं कुछ बना के बताती हूँ आपको। अगर आपके हाथ पे चिपक जाता है तो आप हाथ धो लीजिए एक बार, गीले हाथ से भी बनाओगे तो बहुत अच्छे कटलेट बनते हैं। मैंने पानी रख रखा है हल्का सा, मैं ऑयल नहीं लेती हूँ। ये सारे कटलेट बन गए हैं, और मैंने इस कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। ये तेल गरम हो गया है तो मैं कटलेट इसमें डालूंगी। ये मुझे मीडियम फ्लो रखनी है क्योंकि हम सिम पर सेकेंगे, अगर धीमी गैस पर सेकते हैं तो ये खिल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये फुल कर रखी थी मैंने, अब मैं इसे थोड़ा मीडियम कर दूंगी। देखिए मैं पलट सकती हूँ, ये देखिए आराम से पलट जाएंगे। ये देखिए, अगर आपकी गैस ज्यादा तेज है तो प्लीज आप धीमी कर दें इसे, नहीं तो अंदर से अच्छे से नहीं सिकेंगे। ये सिक चुके हैं, आप देखिए इनका कलर बिल्कुल बदल गया है, और कितने अच्छे कटलेट बने हैं आप देख सकते हो। खाने में भी बहुत टेस्टी कटलेट हैं ये, और इसी तरह हम सारे कटलेट सेक लेंगे। ये हम सारे कटलेट सेक लेंगे, और आप एक बार में भर के कढ़ाई डाल सकते हो। शुरू में आप कम डालिएगा कि कहीं फट नहीं जाए, जब आपको पता लग जाए कि नहीं फट रहे हैं तो आप खुद सारे डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कटलेट बनके तैयार हो गया है, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।